इतना हमारे लास्ट क्लास में हो रखा था। इस पूरी को सिलेक्ट करोगे, राइट क्लिक करोगे तो यहाँ से कुछ ऑप्शन मिलेगा नहीं आपको, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर जाना ग्रुप, ग्रुप में इसको ग्रुप क्रिएट कर देंगे। ग्रुप का आप नाम भी दे सकते हो, जो ग्रुप क्रिएट हो गया तो यहाँ से मिरर कर, मिरर जो हम करेंगे वो जेड एक्सिस में करेंगे, जेड एक्सिस में करेंगे। नो कॉपी ओके कर, ये आपका मिरर हो गया, ठीक है। अब आपको राइट क्लिक करिए, अनहाइड ऑल कर दी। ये जो सीलिंग है ना, इसको मेरे को वाई एक्सिस में नीचे ले जाना पड़ेगा। जेड है ना, जेड में माइनस सिक्स कर दूं, यहाँ पर आ जाएगी। बट हमारा ये वाला ऑब्जेक्ट अभी यहीं पे है, इसको भी नीचे ले जाना पड़ेगा। हाँ, राइट वाली चीज थी ना, राइट क्लिक, फाइल सेलेक्ट कर। एक बार आप देख सकते हो कि किस तरीके से क्या दिख रहा है, किस व्यू से देख सकते हो। लाइट जो रहेगी ना वो ऊपर रहेगी, नीचे नहीं रहेगी। लाइट ऊपर की साइड रह गई, बाकी ज्योमेट्रिकल शेप जितने ना वो सारे फ्लैट हो गए। तो इसको मैं क्या करता हूँ, एक बार तो करता हूँ हाइट सेलेक्शन, बट वो लाइट हमारी उल्टी है अभी, लाइट यहाँ पर नहीं दिख रही है। मैं वायर फ्रेम को अभी दबा करके ये वाला ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको, लाइटिंग वाला। मैं यहाँ से ऑनली लाइट ही करूँ चेक, एक बार ऑल किया, सेलेक्ट, राइट क्लिक, फाइल सेलेक्शन, F6 दबा दो सेट लाने के लिए। जो हमने इसको नीचे मूव करा था ना, मैं इसको वापस जगह +6 कर देता हूँ। लाइट मेरे को दिखनी थी ना, लाइट दिख नहीं रही थी, लाइट इसके अंदर मर्ज हो गई थी, मेरे को लाइट दिखानी है। अब सिर्फ ये वाला लाइट दिखी ना, ना कि बाहर ये वाला लाइट दिख रही बस, बाकी कोई लाइट नहीं दिख रही। ये भी इसलिए दिख रही है कि ये लाइट हमारे है ना यहाँ इधर आई हुई है। इसको अभी मैं वापस फिक्स कर दूँ प्लस का, वहां चली जाएगी। अब इसको मैंने है ना पहले अनग्रुप करना पड़ेगा। अनग्रुप करा, अब ये लाइट, इसमें लाइट भी है, दोनों ऑब्जेक्ट चीजें दोनों चीजें इसके अंदर है। अगर मैं यहाँ से क्यों करूंगा, लाइट अभी भी दिख नहीं रही, लाइट दिख ही नहीं रही, लाइट छुपी गई है। ये है पर्सपेक्टिव व्यू है, बाकी को चेंज करने की जरूरत नहीं है। वो हमने मिरर कराया था उस जगह, हमें ना एक और ऑप्शन कर सकते हैं, रोटेट कर देंगे इसको। हमने यहाँ तक करा था ना, ये तो लाइट मिरर नहीं होती है। लाइट मिरर हो जाती है, बट ऊपर नीचे हो रहा है ना, इस कारण से मैं बता रहा हूँ आपको ऑप्शन है ना। तो आप क्या करोगे कि इसको आप ग्रुप तो बना ही लो, पर इसको आप रोटेट करो, रोटेट ये एंगल स्नैप ऑन कर देना है। राइट क्लिक करोगे, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल डालो, ई प्रेस करोगे, रोटेट कर दिए। अब देखते हैं क्या होता है। हाँ, दिखने लगे, ठीक है। बस इसमें से वो जो एक लाइट है ना वो वाली नहीं दिख रही, बाकी सब दिख रही। क्यों, वो लाइट हटी गई, लाइट है ही नहीं, लाइट वापस बनानी पड़ेगी। बना देंगे तो भी मिला करके आप, सेम ही प्रोसेस से, वो लाइन हट गई थी तो सेम ले लीजिए आप लाइन। स्नैप आपका ऑन होना चाहिए, आप एस पर एस करोगे तो स्नैप ऑन हो जाएगा, एंगल स्नैप को बंद कर देता है। अब इसके अंदर भी आपको क्या लेना है, मिड पॉइंट लेना। अगर आपका मिड पॉइंट वगैरह या कुछ है तो भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है।
ओनली सिलेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर आप ऑप्शन क्रिएट कर देगा। अगर होगा तो पहले इसको मैं हाइड सिलेक्शन करूँ, तो पूरा ही हो रहा है क्योंकि ये ग्रुप हो रखा है। इसको अनग्रुप करता हूँ मैं, अनहाइड ऑल तो कर दिया मैंने। लाइट इसमें है, यहाँ पर लाइट है, वो दिख, और वो दिख ही नहीं दियो। ये लाइट रही यहाँ पर, इसको भी हाइड सिलेक्शन करना। लाइट यहाँ पर रही है, ये रही, इसको थोड़ा सा ऊपर लेना पड़ेगा, बाकी और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जेड एक्सिस में दे दीजिए आप प्लस का 3, दे दे चलेगा। बस हमको लाइट विजिबल होनी चाहिए, बाकी तो देखो अभी भी लाइट नहीं दिख रही है। वो सेंट्रल यहाँ से बंद करता हूँ, इंटरेक्टिव रेंडर ऑन कर देता हूँ, स्क्रीन ही छोटी करता हूँ। आप F3 दबा दो एक बार वापस, यहाँ से लाइट सेलेक्शन के लिए वो कुछ करना पड़ेगा। इसको नीचे लेके आते हैं, अब दिख रही है। लाइट पूरी नीचे आ गई, यहाँ पर थोड़ा ऊपर ले जाना पड़ेगा आपको। ठीक है, विजिबल हो जाएगी, बाद में जरूरत पड़ेगी तो बाद में चेंज भी कर देंगे। राइट क्लिक, अनहाइड ऑल कर दीजिए, और इस वाले सिलेक्शन को हटा दीजिए, आप मतलब हाइड कर दीजिए। और अब यहां से आपको देखना है कैसा दिख रहा है आपका ग्रुप। दिख जाएगा, कोई ज्यादा प्रॉब्लम है नहीं, तो इसको बंद करते हैं। अब मैं इसकी वॉर्डरोब क्रिएट करूँ, इसको तो मैंने ग्रुप क्रिएट करा हुआ था, तो हाइड सिलेक्शन एम इसको पूरे को ग्रुप बना देता है। ग्रुप जो भी है, 2 बनाना, 3 बनाना, 2 बनाना, सब पूरा ग्रुप बन जाएगा। अब वॉर्डरोब के लिए आपको ये तो ये बात, सीलिंग तो चाहिए कि नहीं मेरे को, वैसे भी तो हटा दूँ कभी, आया हाइड कर दूँ कभी चलेगी। और मेरे को यहाँ पर बॉक्स चाहिएगा, बॉक्स भी ले सकता हूँ और लाइन भी ले ही सकता हूँ, वैसे प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने बॉक्स लिया यहाँ से, इस कॉर्नर पॉइंट से, इस कॉर्नर पॉइंट हाइट आपको पूरी हाइट ले रहा हूँ मैं। ओवरऑल सिलेक्शन है उसको रखता हूँ हाइट कर, ऑल्ट प्लस क्यू कर दे। अगर आप कलर चेंज करते तो मॉडिफाई में जाइए, मॉडिफाई में यहाँ से कलरिंग आप अपने यूज के अकॉर्डिंग चेंज कर दीजिए, कोई भी यूज दे सकते हैं, जरूरी नहीं। अगर मैं F4 दबाता हूँ, F4 क्या करता है, सेगमेंट को शो करता है, ठीक है ना। अब कुछ इस तरीके से हम क्रिएट करें, ये वाले ऊपर में हमारे 3, 2, 5 शेप है, और नीचे यहाँ पर 2 है, साइड में हम 3 भी ये कर सकते हैं, ये भी हो जाएगा, तो ज्यादा प्रॉब्लम भी आती है। तो ये क्रिएट करना आपको, तो आप जाइए पहले इसको सिलेक्ट करिए, इसको आप यहाँ से मॉडिफायर लगा देते हैं, एडिट वॉली वाला करा, फिर इसको सिलेक्शन बनाया मैंने, सिलेक्शन बना करके मैंने एज लिया इसको और इस वाले पार्ट को, दोनों को सेलेक्ट करता हूँ मैं। यहाँ पे करता हूँ इसको कनेक्ट, कनेक्ट के लिए आप कनेक्ट क्या करता है, सेगमेंट एज करता है। मेरे को एक ही पार्ट चाहिए, बट इसको मैं यहाँ से तो एक ही चाहिए, मतलब मान लो ना, यहाँ से मैं इसको ऊपर नीचे कर सकता हूँ। ये रखा, हो गया हमारा। अब ये वाला स्नैप को, मतलब स्नैप को बंद करता हूँ, ये वाला कंट्रोल के साथ, ये वाला वापस कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट में ये वाली वैल्यू 0 कर दो। अब इसमें पार्ट करने आपको 5 हो गए, 5 पार्ट, राइट क्लिक कर दीजिए। अब आपको ये वाले एजेस लेने पड़ेंगे, तो एजेस लेने के लिए सेम प्रोसेस, एज सेलेक्ट करो कंट्रोल दबा करके, हो गया।
अब यहाँ पर आपको चैम्फर मिलेगा, चैम्फर में आपको यहाँ पर ट्राइंगल शेप लेना है, और वो बीच में तो ग्रू होता है ना, ज्यादा नहीं होता है, पॉइंट मैं 2 mm रखता हूँ या 3 mm रख सकता हूँ, वो कुछ इस तरीके से हो रहा है। तो अगर इस तरीके से होना तो आप कनेक्ट भी नहीं करना है, ये वाला पार्ट रखना है सिर्फ, और यहां से आपको लेना है पॉलीगॉन, सेलेक्ट पॉलीगॉन, नीचे चलेंगे यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा डिटेच, डिटेच में डिटेच के अंदर ऑब्जेक्ट कर लेंगे, ऑब्जेक्ट हो जाएगा अलग है ना, अब पॉलीगॉन से बाहर आ जाइए, वापस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें, ये वाला लिया मैंने पॉलीगॉन, यहां से अब एज लेता हूँ, एक तो ऊपर वाली ले लेता हूँ एज, एक ये नीचे वाली ले लेता हूँ, अब इसको मैं कनेक्ट करता हूँ 5 पार्ट के अंदर, सेलेक्टेड एज है तो चैम्फर कर देता हूँ, यहाँ से ट्राइंगल शेप लेता हूँ, अमाउंट मैंने 2 mm डाल दिया या 3 mm डाल दिया, जो भी आपको डालना है, वो ग्रू ग्रू आ गया यहाँ पे ऑटोमेटिक। अब पॉलीगॉन लेने हैं तो आप 4 प्रेस करो, इन सबको एक्सक्लूड कर दीजिए, यहाँ ज्यादा नहीं करूंगा 18 mm कर दूंगा। अब 18 लिखोगे तो 18 mm की 6 mm लिखना पड़ेगा, ये ध्यान रखो। बाहर आ जाइए आप पॉलीगॉन से, इस वाले पार्ट को मैं हाइट सिलेक्शन कर दूं, अब ये वाला पार्ट लेना है तो आपको वापस सेम प्रोसेस वही करना है, एज लेकर के इसमें 3 पार्ट्स होंगे, ये ध्यान रखो, पहले वाले पार्ट को तो मैं इधर की साइड ले आऊं पूरा ही, हो गया, वापस कनेक्ट करना है, और इसको 0 कर दो, सेंटर में आ जाएगा, ठीक है, वापस 4 प्रेस कर दीजिए आप, ये पॉलीगॉन ले लें, इसको डिटेच करें, अब आपको वापस 1 2 प्रेस करोगे, इस वाले को आप ऑल्ट गिव कर सकते हो, नहीं तो ये गौरव का है तो 2 प्रेस करा, एक ये वाला और एक ये वाला सेगमेंट लेना है और कनेक्ट करना है, कितने पार्ट चाहिए आप, ठीक है, चैम्फर, ट्राइंगल, और वो इसमें पट्टी की थिकनेस चाहिए, 1 इंच कर देता हूँ, ठीक है, फिर आपको इस वाले पार्ट में जाना है, इसमें से बाहर निकल जाओगे आप, इसमें कनेक्ट कर रखा है, ये कनेक्ट ही है और कुछ नहीं, इसमें आपको एक अगर आप कनेक्शन देना चाहते दे दो, जरूर दे देना हो, बट अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको इस वाले पार्ट को सेलेक्ट करना है, तो आप 2 प्रेस कर दो, ये वाला सिलेक्शन बनाओ, इसमें आप चैम्फर करो ट्रायंगल शेप वाला, और यहाँ पे डिस्टेंस क्या दे दो आप, 2 इंच का दे दो या 1 इंच का दे दो, जितना आपको देना है, मैं आपको 1 इंच का दे रहा हूँ यहाँ पे ना, यहाँ अब इस वाले पार्ट का भी आपको वापस चैम्फर करना, कर सकते हो, नहीं तो इस वाले पार्ट को हम एक्सक्लूड कर देंगे, इन दोनों को बाहर एक्सक्लूड कर देंगे, और प्रेस करा, अमाउंट सेम रहेगा एक्सक्लूड का, अब इस वाले पार्ट को सब कर रखा है तो राइट क्लिक करो, आपको राइट क्लिक में आपको देखो अनहाइड बाय नेम करना है, किस किस को अनहाइड करना है,
ये वाला हो रहा है नाइट, अनाइट मेरे को करना है, तो लेकर अनाइट होल्ड कर देता हूँ, सब आ जाएंगे। अब इसको सेलेक्ट करो और यहाँ पर नीचे चलोगे ना, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा अटैच। फोर प्रेस करोगे, फोर्थ प्रेस ऑलरेडी हो रखा है। अब आपको पॉलीगॉन लेने हैं, ये वाला और ये वाला, तो ज्यादा हो गया इन तारों को। आप यहां से एक्सट्रूड कर देना, माइनस में करना पड़ेगा, तो साइड से भी आपको थिकनेस चाहिएगी। मैं यहां पर पॉलीगॉन तो मैंने लिया है, पॉलीगॉन लेयर का यहां पर थोड़ा मैं इंसेट करता हूं। इंसेट से भी कर सकते थे, यहां पर सेगमेंट डाले उसको चैम्बर मैंने किया, वो नहीं करते तो भी कर सकते। और इसको एक्सप्लोर करेंगे अंदर के साइड। वो डाल सकते हैं अगर होता होता ना, मैं -15 ही कर देता इस बार। ठीक है, हो गया। आप ये थिकनेस नहीं देना चाहते हो, कोई नहीं, बाद में इंसर्ट करोगे तो भी थिकनेस बढ़ा देना, वो उससे भी हो जाएगा। ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। अब आप एक बार क्या करोगे, ये वाला यूआई राइट व्यू में जाओ, इसको सेलेक्ट कर लो पूरे को, स्केल को वैसे नहीं करना, इसको टैक्स ही लेना। वर्टेक्स को यहाँ पर ये वाई एक्सिस ही होगा ना, वाई एक्सिस के अंदर में 6 इंच या 4 इंच ऊपर मूव करता हूँ, तो नियाब नीचे स्कोपिंग लेनी पड़ेगी। राइट क्लिक, हाइट सिलेक्शन कर दिया, अब वापस मेरे को बॉक्स लेना पड़ेगा। देखो हम उसी वक्त से यूज कर सकते थे, अगर देना होता तो ना, मैं अलग से ही बना दोनों चीजें। नोटिफाई, बट ये थोड़ा कम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, इसको कन्नड़ एडिट खोली करके कर सकते हैं। कन्वर्ट एडिट खोली, एक बार अनहाइड ऑल कर देता हूँ। इस वाले पार्ट को सेलेक्ट करके पॉलीगॉन लिया, यहाँ पर एक्सट्रूड पे जाता हूँ, उससे भी कर दूंगा। इससे भी कर तो सकते हैं एक्सट्रूड, इससे भी हुआ है, अगर इससे नहीं करते हैं ना, फिर आपको वो करना पड़ेगा ऑल्ट क्यू आइसोलेशन करना पड़ेगा। ये वाले वर्टेक्स सेलेक्ट करने हैं, स्नैप बंद कर दूं, ये वाले वर्टेक्स सेलेक्ट कर दूं।
व्यू, इन चारों वर्टेक्स को सेलेक्ट करने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा अलग से, सिलेक्शन नहीं मिलेगा। वन पार्ट करना, पॉलीगॉन से भी कर सकता हूँ मैं, पॉलीगॉन से करने से अच्छा वर्टेक्स से करोगे तो ज्यादा इजी होगा। एक तो आगे वाला फ्रंट ले ले तो अभी काम तो हो ही जाएगा। कोई नहीं भैया, इतने नहीं होना, फिर हम स्केल भी कर सकते हैं करीब। राइट क्लिक अनहाइड, और बाद में पीछे मूव करना पड़ेगा। एफ जी दबा दो एक बार, आप डब्ल्यू प्रेस करो, मतलब काम इससे भी हो जाएगा होने में को, अगर वर्टेक्स से नहीं होता हो फिर। टी प्रेस कर सकती हूँ, F3 दबा दो, आइसोलेशन वापस कमांड से बाहर आ जाओ। ठीक है, अरे इस वॉर्डरोब के अभी ऊपर वाले हैंडल वो जो है ना, ये वाले लगाने हैं, वो है हैंडल ही बोलते हैं उनको, क्या बोलते हैं, हैंडल ही बने हुए हैं, तो उनको लगाने के लिए आपको सिर्फ वॉर्डरोब को सेलेक्ट करके ऑल्ट क्यू कर दें। अब ये कौन सा व्यू में जाके वी आर राइट व्यू कर दें, ग्रिड को बंद कर दें, F4 दबा दो सेगमेंट्स को शो कर दें। अब ज्यादा कुछ नहीं करना है इसमें, आपको ओनली ऑन सिलेंडर ले लेना है, नेप ऑन कर देना है। देखो तो बड़ा क्रिएट कर सकते हो अगर चाहो तो, बाद में इसको मॉडिफाई से काम थोड़ा बड़ा कर सकते। मैं चाहता हूँ एक रिटेल का छोटा ही, ज्यादा बड़ा नहीं, जरूरत पड़े तो फिर बड़ा लेना, नहीं जरूरत छोटे से हो जाए तो बढ़िया बात है। इसमें हम साइड बढ़ा देंगे तो स्मूथनेस आ जाएगी, और कुछ नहीं। हाइट जो रखूंगा वो रखूंगा ओनली ऑन, सॉरी 2 इंच रखनी करनी पड़ेगी। आप चाहो तो और भी रख सकते हैं, 2.5 रख दो, 2.5 इंच इतना रख दो। इसमें हाइट में सेगमेंट्स नहीं देना, 0 कर। थोड़ा सा इसको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा क्योंकि ये यहाँ पर तो लगेगा नहीं। आपको लग रहा है इसकी वेट ज्यादा है तो फिर एडी साहब एक करो, ठीक है, सेलेक्ट आप F3 दबा दो जिससे पता चल जाएगा। शिफ्ट के साथ इसकी कॉपी करें, तो कॉपी से भी तो काम वही चीज होगा, यानी सर मिरर से भी कर दूंगा, मिरर से भी सेम ही चीज होगी। एक्स एक्सिस के अंदर है, कॉपी भी चाहिए। सलेक्शन बना दोनों का, यहाँ से मैं ग्रिड तो सिलेक्ट लेता हूँ, बाकी बाकी तो यही होंगे, दूसरे कोई नहीं होंगे ना। आप इंस्टेंस रख सकते हो,
इसको सेलेक्ट करा मैंने एक को, अब आपको एजेस वगैरह राउंड चाहिए तो वो कर सकते हो। मैं यहाँ से एज लेता हूँ, एक एज तो ये रखी, एक एज मैंने ये रखी। इस एज को मैं इसके अंदर भी अभी कनेक्ट करूंगा, एक सेगमेंट चाहिएगा मेरे को, क्योंकि बाद में इसमें मेटेरियल डबल लगेगा, अलग अलग लगेगा दोनों में भी, तो इसमें भी एक मेरे को चाहिएगा। कनेक्ट कर दूंगा मैं यहाँ से तो कुछ इस तरीके से आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट हो तो बता लो। ज्यादा कुछ हार्ड तो है नहीं, बेसिक चीज बताया मैंने, एडिंग पॉली का यूज करा। अगर आप अटैच करना चाहो तो इसको भी अटैच कर दो। किया ना वापिस, तो वैसे करना पड़ेगा अलग अलग, ऐसे नहीं होगा। ऐसे भी कोई प्रॉब्लम आती है, मैं आ रही हूँ स्टार्टिंग में। जरूरत पड़ने पर ही वो करना, नहीं तो वैसे हो जाता है, बिना जरूरत से तो हो ही जाता है काम, तो हो ही रहा है उसके। बताओ राइट क्लिक, अनहाइड ऑल करो। तो सीलिंग अभी ऊपर है यहाँ पर, या तो सीलिंग को नीचे ले आओ, मैनुअली भी ला सकते हैं, नहीं तो फिर आपको इसको मेजरमेंट डालना पड़ेगा। तो जिस तरीके से दिखेगी ये चीज है, ठीक है। आप इसका लाइटिंग या कलर वगैरह भी चेंज तो कर सकते हो ना, वो मॉडिफाई में जाकर ही होता है सारा। मैंने अभी कुछ मेटल वगैरह कुछ नहीं लगाया, नॉर्मली बेसिकली यूज करता हूँ। अब आपको यहाँ पे ग्लास लगाना है या विंडो लगानी है वो आपके ऊपर भी। नॉर्मली ये तो विंडो बना ही सकते हैं, नॉर्मल वाली तो चलती है, वो सोचा है वो तो हो ही जाएगी। और अगर आपको स्लाइडिंग वाली लेनी है तो वो भी मिल जाएगी, यहाँ पे है ना हमारे पास विंडो अवेलेबल वाली, स्लाइड वाली ले लो। ओके, हम फिल कर देंगे, स्नैप ऑन कर देता हूँ। इसकी विड्थ अगर आपको चेंज करनी है तो ये आप, मैं 3 इंच करता हूँ, ज्यादा नहीं रखता हूँ विड्थ इसके, है ना। हाइट वगैरह सही है, बाकी कुछ चेंज करना नहीं है आपको। फिर इसमें आपको डबल वगैरह कुछ चाहिए ना, हॉरिजॉन्टल पैनल वगैरह बढ़ाने हैं, फिर हाइट वगैरह या कुछ थिकनेस वगैरह बढ़ानी है, मैं 2 कर देता हूँ, ज्यादा क्या रखना। थिकनेस वगैरह चेंज करनी है तो वो भी कर सकते हैं तरीके से, मान वो भी हो जाएगी। फिर आपको इसमें देखोगे ये जो ऑब्जेक्ट आता है ना, आपको वर्टिकल पैनल चाहिए या पैनल अगर बढ़ाने पड़े तो बढ़ा सकते हो। हॉरिजॉन्टल मेरे को नहीं चाहिए वैसे, तो मैं हटा दूँ। एक तो रहना का रहना है, वो तो हटेगा नहीं। अब ओपनेबल कितनी करनी है, हाइट विड्थ डेप्थ 3 चीज आती है, इस तरीके से ओपन होगी। मैंने भी इस तरीके से ओपन कर सकते हो, ये चीज है। F4 दबाऊंगा तो सेगमेंट्स नहीं दिखेंगे। तो इसमें मैंने पैनल से ऐड कर तो अपना भी ऐसे हुई है, अगर नहीं चाहिए तो हटा भी दो। टेम्पर प्रोफाइल चाहिए तो टेम्पर प्रोफाइल भी हो जाएगी।
इनकी आप विड्थ वगैरह भी बढ़ा सकते हो, नहीं तो डिफॉल्ट तो होती रहती है। मैंने मान लो 0 ही कर दी, विड्थ रखी नहीं। फिर इसके अंदर ग्लास वगैरह यूज कर लेना, बाकी कुछ नहीं है। इसी ऑब्जेक्ट को आप यहाँ से उठा के ले जाओ ना, शिफ्ट के साथ, अनेबल एक्सेस के साथ ले जाओ। मैं एक पे चेंजेबल करूंगा ना तो सब दोनों में चेंज होगा। अच्छा ये वाले पैनल्स हो गए ना, तो हम थिकनेस बढ़ा भी सकते हैं, टेम्पर प्रोफाइल भी रख सकते हैं, अगर नहीं चाहो तो मत सकते। वैसे मैं हटाई रहा हूँ, 0 का था, नॉर्मली प्लान रखा मैं। ओके, अब इसमें देखो डोर बाहर से भी इम्पोर्ट कर सकते हैं, इसमें बने हुए वो भी यूज ले सकते, बाहर से लेके आ जाओ वो भी हो जाएगी। और प्योर डोर चाहिए तो वो भी हो जाएगा। फिर वो हाइट वगैरह हम चेंज करेंगे, अभी ये वाली हाइट वैसे भी काम नहीं आती इसके। हाँ फिर ये हाइट रखा हूँ ना, डेप्थ तो बोल रखा हूँ 3 इंच, ज्यादा नहीं रखा। ठीक है, हो जाएगा। नहीं तो बाहर से इम्पोर्ट कर लेना, ये डोर वगैरह विंडो भी आप बढ़ा सकते हो बाहर से इम्पोर्ट कर लो, अगर ऐसी लगा नहीं नॉर्मल लगा दो, नहीं तो बाहर से इम्पोर्ट कर, वही क्रोम वगैरह से होनी चाहिए, तो जहाँ से 3D मॉडल डाउनलोड होते हैं हमारे, वहीं से होगा सारा। ओके, तो ये करके लाओगे तो भी आगे क्लास कंटिन्यू हो पाएगी। ठीक है।